फिल्म की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट नेम एनरिक को दिखाया जाता है, जो अपने आविष्कार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक रोबोटिक डॉग बनाया है जो बहुत ही एडवांस्ड है, और ये एक तरह का हथियार भी है जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जा सकता है, जिसके अंदर सब कुछ समझने की काबिलियत भी है। और इस रोबोटिक डॉग के प्रोग्राम को वो साइंटिस्ट अटैक, एक्सप्लोरेशन और लॉजिस्टिक प्रोग्राम का नाम देते हैं, जिस वजह से इन वॉर डॉग्स को एएक्सएल नाम दिया जाता है, जो खतरा महसूस होने पर खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर अगले सीन में हम माइल्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बाइक रेसिंग के पहले अपनी बाइक पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस बीच माइल्स को सैम नाम का एक लड़का जानबूझकर गिरा देता है, जिस वजह से माइल्स की बाइक की चेन टूट जाती है। इसलिए माइल्स वहां पर मौजूद लोगों से मदद मांगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता, और इस सब को सैरा नाम की एक लड़की देख रही होती है जो हमें स्केच करती हुई दिखाई देती है। अब माइल्स अपने पिता के साथ वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर सैरा आकर माइल्स को बाइक की चेन देती है। दरअसल सैरा यहां पर सैम के साथ आई हुई होती है, जिसके बाद फिर रेस होती है और उसमें माइल्स ही जीत जाता है। आगे माइल्स को सैम अपनी पार्टी में इन्वाइट करता है, जिसमें जाने के लिए माइल्स बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो सैरा की वजह से वहाँ पर जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सैरा को पसंद करने लगा था। अब पार्टी में सैम माइल्स के पास आता है और वो उसे लेकर एक जगह जाता है जहाँ पर वो एक बड़ी सी फ्लेम मशीन दिखाता है, जिसकी मदद से वो कार को जलाकर बहुत खुश होता है, पर माइल्स को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उस जगह से निकलकर सैम के बाइक कलेक्शन की जगह पर जाता है जहाँ सैम ने बहुत सी बाइक्स रखी हुई थी। फिर माइल्स को वहाँ देखकर सैरा माइल्स के पास आती है और उनकी बातों से पता चलता है कि सैरा की माँ सैम के घर में काम करती है। इसके बाद वो आपस में और भी बातें करने लगते हैं और इसी बीच वहाँ सैम आ जाता है जो उन दोनों को एक साथ देख लेता है, पर देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। आगे हम माइल्स और उसके पिता को देखते हैं, जिनकी बातों से पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस पर माइल्स कहता है कि मुझे जल्दी पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम एनरिच को देखते हैं, जिसने एक्सल वॉर डॉग का निर्माण किया होता है, पर वो वॉर डॉग उसकी लैब से भाग चुका होता है, और तभी आर्मी चीफ एनरिच से कहता है कि अगर उसने किसी तरह के हथियार का निर्माण किया है तो वो एक तरह से सरकार की संपत्ति ही मानी जाएगी, इसलिए तुम्हें उसको जल्द से जल्द मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए। इस पर फिर एनरिच उनसे 2 दिन की मोहलत मांगता है और कहता है कि मैं आपको इन 2 दिनों में एक्सल को सौंप दूंगा। इधर हम देखते हैं कि सैम माइल से मिलने के लिए आया होता है और वो उसे अपने साथ हिल्स पर चलने के लिए कहता है, जहां वो लोग उसके स्टंट के वीडियोस को शूट करेंगे, जिससे हो सकता है कि वो बाकी लोगों की नजर में आ जाए और उसे और भी किसी स्टंट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिले। इसलिए माइल्स भी उनके साथ चला जाता है, जहां पहुंचकर सैम माइल से बात करने लगता है, जिस दौरान सैम के इशारे पर माइल्स की बाइक में कोल्ड ड्रिंक डाल दी जाती है, और यहां हमें साफ पता चलता है कि सैम माइल्स और सैरा को एक साथ देखकर खुश नहीं था, इसी वजह से वो उसे यहाँ सबक सिखाने के लिए लाया था, जिसका पता माइल्स को बिल्कुल भी नहीं था। और जब वो अपनी बाइक से स्टंट दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी बाइक को स्पीड ही नहीं मिलती, जिस वजह से वो हवा में उछलकर नीचे गिर पड़ता है, जिस दौरान माइल्स के साथ साथ उसकी बाइक की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और सैम माइल्स को उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। लेकिन माइल्स किसी तरह उठकर अपनी बाइक को ठीक करता है और वहां से जाने के लिए अपनी बाइक को शुरू करता है, पर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए माइल्स को एक कंटेनर दिखता है, जिसका दरवाजा खोलते ही उसे अंधेरे में 2 लाल आंखें दिखाई देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक्सेल ही होता है, जिसे देखते ही माइल्स तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर भागता है। पर वहीं एक्सेल को भी माइल्स से खतरा महसूस होता है, इसलिए अपने प्रोग्राम के मुताबिक वो माइल्स को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। जिस भाग दौड़ के बीच एक्सेल एक छलांग मारकर माइल्स को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी टक्कर होने के कारण उसके कुछ पुर्जे टूट जाते हैं और अब वो वहां से हिल भी नहीं पाता, जो देखकर माइल्स अपनी बाइक रोककर उसके पास जाता है, जहां वो देखता है कि ये एक रोबोटिक डॉग है। इस दौरान अब माइल्स उसे अपने ऊपर विश्वास दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, और फिर वो एक्सेल के पुर्जों को सही करके उसकी मदद करता है, जिस कारण से एक्सेल अब माइल्स को पसंद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सैरा सैम से माइल्स के बारे में पूछती है कि तुम उसे कहां पर छोड़कर आए हो, जिस पर सैम उसे जगह का पता बता देता है। वहीं इधर हम माइल्स को देखते हैं जो वहीं
पर एक्सेल के साथ समय बिता रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एक्सेल किसी लैब से भागकर यहाँ पर आया है, जो एक्सेल को किसी आम डॉग की तरह चीजें सिखा रहा था, जिन्हें एक्सेल खुशी खुशी सीख भी रहा था, क्योंकि भले ही वो एक रोबोट है पर उसके अंदर फीचर्स एक डॉग के ही डाले गए हैं। अब आगे हम एक्सेल और माइल्स को साथ में खेलते हुए देखते हैं, जिन्हें अपने ड्रोन्स की मदद से एनरिच और उसका असिस्टेंट देख रहे होते हैं, जहां एनरिच का असिस्टेंट कहता है कि ये इस लड़के के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस लड़के को नहीं पता कि वो कितने खतरनाक हथियार से खेल रहा है। उस असिस्टेंट के मुताबिक एक्सेल भी इंसानों के बीच रहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो एक्सेल को डीएक्टिवेट करने जा रहा होता है। पर फिर एनरिच उसे रोकते हुए कहता है कि हमें एक्सेल को जांचने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट तो चाहिए ही था, इसलिए हम इन्हें ही वॉच करेंगे। इधर सैरा माइल्स को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है, पर सैरा को देखकर एक्सेल उसे खतरा मान लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन समय रहते माइल्स एक्सेल को काबू में करता है और उसे समझाता है कि सैरा मेरी दोस्त है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सैरा की दोस्ती भी एक्सेल से हो जाती है। और अब माइल्स सैरा और एक्सेल को वहीं पर रात बिताते हुए देखते हैं, जहां एक्सेल इन दोनों के लिए लाइट्स और म्यूजिक चलाकर एक पार्टी जैसा माहौल बना देता है। अब अगली सुबह सैरा माइल्स से कहती है कि हमें अपने घर भी जाना चाहिए, लेकिन माइल्स एक्सेल को यहां अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे एक कपड़ा उड़ाकर अपनी ट्रक में छिपाकर बैठा लेता है। और अब ये सब एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, पर वहीं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इनफ पेट्रोल भराकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके, लेकिन फिर एक्सेल अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वहां के पेट्रोल पंप और एटीएम को हैक कर लेता है, जिससे उन्हें काफी पैसे पेट्रोल भरने के लिए मिल जाते हैं। अब सैरा उन्हें लेकर एक अनजान जगह पहुंचती है, जिस जगह पर वो अक्सर आकर पेंटिंग किया करती थी, और फिर वो वहां पर एक पेंटिंग भी करती है जिसमें एक पत्ती के आकार को एक्सेल स्कैन करता है और उन्हें अपने बारे में प्रेजेंटेशन देने लगता है, जिसमें माइल्स और सैरा को पता चल जाता है कि एक मिलिट्री वॉर डॉग है जिसे खास करके इंसानों को मारने के लिए बनाया गया है। इस पर फिर सैरा माइल्स से कहती है कि उन्हें इस डॉग को वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरनाक है, पर माइल्स उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और फिर वो एक्सेल के पास एक अजीब सी डिवाइस देखता है, जिसमें वो बिना सोचे समझे अपनी उंगली लगा देता है, जिसके ऐसा करते ही एक्सेल की माइल्स के साथ पेयरिंग हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि एक्सेल अब पूरी तरह से माइल्स के काबू में है, जो कि अब सिर्फ उसी का आदेश मानेगा। जो देखकर अब यहाँ एनरिच कहता है कि अब हमें एक्सेल के साथ साथ इस लड़की की भी जरूरत पड़ेगी। इधर सैम सैरा को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है और वो सैरा से बदतमीजी करने लगता है, जिस पर माइल्स को गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही सैम माइल्स को मारने के लिए हाथ उठाता है, तो वहाँ एक्सेल आकर सैम पर हमला कर देता है, जिससे डरकर सैम वहाँ से भाग जाता है। पर ये सब सैरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि सैम के यहाँ उसकी माँ काम करती थी, और अगर सैम ने उन्हें निकाल दिया तो वो कहाँ पर जाएंगे। इस पर अब माइल्स और सैरा एक्सेल को वही कुछ देर के लिए रुकने को कहकर सैम के घर चले जाते हैं, और तभी वहाँ पर सैम एक्सेल से अपना बदला लेने के लिए कैमरा लेकर अपने दोस्तों के साथ वापस आता है, और पहले तो एक्सेल को एक डॉग की तरह ट्रीट करके उसे बहलाने की कोशिश करता है, ताकि वो उस पर हमला ना करे। फिर वो वहां पर पेट्रोल गिराकर अपनी फ्लेम मशीन से एक्सेल को जला देता है। इधर दूसरी तरफ माइल्स के पिता माइल्स को एक्सेल को मिलिट्री को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर उसे जेल हो सकती है। पर तभी सैरा के फोन पर सैम को फिर एक वीडियो मैसेज आता है, जिसमें उन्हें एक्सेल जलते हुए दिखता है, इसलिए अब माइल्स और सैरा तुरंत वहां से निकलकर एक्सेल के पास पहुंचते हैं, पर उन्हें आने में अब देर हो गई होती है, क्योंकि तब तक एक्सेल बुरी तरह से जल चुका था। पर फिर वो अपने सिस्टम के जरिए माइल्स को बताता है कि उसे ठीक करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं इधर माइल्स के पिता के घर एक कमांडो पहुंचता है, जिसे एनरिच ने वहां पर भेजा था, जिसके बाद हमें माइल्स और सैरा दिखाए जाते हैं, जो एक्सेल को ठीक करने में लगे होते हैं, और फिर वो दोनों मिलकर काफी हद तक एक्सेल को ठीक भी कर देते हैं। पर उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए इन्हें एक्सेल को 2.5 घंटे के रेस्टोरेशन सिस्टम मोड में डालना होगा, जिसके पूरा होते ही एक्सेल सही हो जाएगा। पर उसके रेस्टोर होने से पहले ही वहां पर ढेर सारे कमांडोस आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें जाहिर है कि एनरिज ने ही भेजा है।
आप सभी कमांडोज एक्सल को ले जाने के लिए उन पर हमला कर देते हैं, पर तब तक एक्सल का रेस्टोरेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी पूरा होते ही एक्सल सभी कमांडर्स को मार गिराता है और फिर अपना बदला लेने के लिए वहां से सीधे सैम के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसने सैम की शक्ल को स्कैन कर लिया था। उधर एक्सल को देखते ही सैम के सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं, और जैसे ही एक्सल सैम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वहां पर माइल्स और सारा आकर उसको रोक देते हैं। पर तभी वहां एनरिच अपने ड्रोन्स की सहायता से एक्सल को काबू में करता है, और फिर वो माइल्स को भी एक्सल के साथ अपने लैब में ले आता है, जहां उनकी पेयरिंग की मदद से एनरिच उन पर एक्सपेरिमेंट करके एक्सल के प्रोग्राम में कुछ बदलाव करना शुरू कर देता है, ताकि एक्सल और भी खतरनाक हथियार बन जाए। पर तभी वहां सारा आ जाती है, जिस पर एक्सल अपने प्रोग्राम में बदलाव होने के कारण हमला करता है। अब ये देख सारा अपने हाथ से एक्सल के सामने उसी पत्ती की तस्वीर बनाती है, जिसे एक्सल ने स्कैन करके अपना प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाया था, जो देखकर एक्सल उस पत्ती के पैटर्न को स्कैन करता है, जिससे उसे सारा के बारे में याद आ जाता है, और फिर वो उल्टा एनरिच पर ही हमला कर देता है, जिससे किसी तरह बचकर एनरिच वहां से भागने की कोशिश करता है। पर तभी वहां पर कमांडोज आकर एनरिच को पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ वो माइल्स और एक्सल को भी पकड़ना चाहते थे, पर सारा सरेंडर करने के बहाने उनका ध्यान भटकाकर माइल्स और एक्सल को वहां से भगा देती है, जिनका पीछा ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर करते हैं। पर तभी भागते हुए माइल्स अचानक से एक पहाड़ी से गिर जाता है, जिसके कारण उसे चोट लग जाती है, इसलिए अब वो और नहीं भाग सकता था, इसलिए अब वो एक्सल को भागने के लिए कहते हैं, जो बेचारा ना चाहते हुए भी वहां से काफी दूर तक भागते हुए चला जाता है। पर वहां पर भी उस पर ड्रोन्स हमला कर देते हैं, और अब एक्सल बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए अब वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में डाल देता है, जिसके बाद वो आखिरी बार काफी दूर खड़े माइल्स को देखता है और एक धमाके के साथ ही नष्ट हो जाता है। अब इस घटना को काफी समय बीत जाते हैं, और अब हम अगले सीन में एक महिला ऑफिसर को एनरिच के पास देखते हैं, जो उसे बताती है कि एक्सल का सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो रहा है, पर वो कहाँ है इसका हमें कुछ नहीं पता, इसलिए उसे जल्दी से ढूंढकर या तो रिबूट करना होगा या फिर पूरी तरह से नष्ट। वहीं दूसरी तरफ हम सारा और माइल्स को एक बीच पर छुट्टियां बिताते हुए देखते हैं, जिन्होंने एक्सल की याद में एक डॉग रख लिया होता है। फिर तभी माइल्स को उसके पिता की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें उसे वही डिवाइस मिलती है जिससे उसने माइल्स से पेयरिंग की थी। दरअसल इस डिवाइस को माइल्स अपने पिता के घर गलती से छोड़ आया था, जिस पर माइल्स जैसे ही अपनी फिंगर रखता है, एक्सल फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो पेयरिंग डिवाइस चलने लगती है, जिसका साफ मतलब है कि एक्सल ने खुद को नष्ट करने के साथ साथ खुद को फिर से रेस्टोर करने का इंतजाम भी किया था, जिसके साथ ही ये हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की चर्चा करें तो ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन जनर की मूवी थी, और इसे आप देखकर अपना टाइम आराम से पास कर सकते हो, क्योंकि इसके एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं, पर वहीं इसे IMDb पर कम रेटिंग मिली हुई है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी कम लगती है। वहीं अगर इसकी एंडिंग की बात करें तो एंडिंग से साफ पता चलता है कि इसका सेकेंड पार्ट जरूर बनेगा, लेकिन अभी तक इसका दूसरा पार्ट नहीं बनाया गया है, इसलिए फिंगर्स क्रॉस की शायद ये बने। और अब वीडियो के आखिर में अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज एक लाइक तो जरूर छोड़ के जाइएगा। और आज के वीडियो में आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।